नमस्कार मित्रों, टैग हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया के लीडिंग डीटीएच ऑपरेटर डिश टीवी के सेटअप बॉक्स के रिकॉर्डिंग फीचर्स के बारे में। हम देखेंगे कि डिश टीवी के सेटअप बॉक्स में आप कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्या रिकॉर्डिंग फीचर्स है, और रिकॉर्ड किए गए प्रोग्राम्स को आप फिर से कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिश टीवी के हर एक सेटअप बॉक्स में रिकॉर्डिंग का जो फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट ही हर एक सेटअप बॉक्स में अनेबल्ड होता है। यानी कि कोई भी यूएसबी पेन ड्राइव लगाकर सिंपली जब भी चाहे, जितनी बार चाहे उतनी रिकॉर्डिंग कर सकता है। एक्चुअली डिश टीवी में काफी सारे रिकॉर्डिंग के फंक्शंस अवेलेबल है, जैसे कि लाइव टीवी रिकॉर्डिंग, इवेंट बेस्ड रिकॉर्डिंग, टाइम बेस्ड रिकॉर्डिंग। इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, मगर सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कोई भी प्रोग्राम देखते वक्त अगर आप उसे रिकॉर्ड करना चाहे तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपकी पेन ड्राइव, वहां पे जो पीछे यूएसबी पोर्ट दिया गया है वहां पे इंसर्ट करवा दीजिए, ठीक ऐसे ही जैसे कि आप अपने लैपटॉप के अंदर कोई यूएसबी पेन ड्राइव इंसर्ट करवाते हैं। और अगर आपके पास पोर्टेबल हार्ड डिस्क है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब आपके रिमोट कंट्रोल पे जो रिकॉर्ड का बटन है उसे दबाइए, आप जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं उसी वक्त तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जितना चाहे आप रिकॉर्ड करें, उसके बाद रिकॉर्ड पॉज या फिर स्टॉप करने के लिए वो रिकॉर्ड बटन फिर से दबाइए तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और आपकी पेन ड्राइव में वो स्टोर हो जाएगी। और इतना ही आसान है आपके मनपसंद प्रोग्राम को डिश टीवी से रिकॉर्ड करना। अब डिश टीवी सेटअप बॉक्स में जितना आसान प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना है उतना ही आसान रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स को देखना है। तो सबसे पहले अपने जो भी पेन ड्राइव में आपने प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए वो सबसे पहले तो इंसर्ट करवा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे रिमोट कंट्रोल पे माय फाइल्स या फिर माय अकाउंट में आप नेविगेशन बटन से रिकॉर्डिंग सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आप सारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब जो भी प्रोग्राम रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप प्ले करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर दीजिए और वो वहाँ पे प्ले होने लगेगा। और प्ले और पॉज करने के अलावा भी आप उसे फास्ट फॉरवर्ड या फिर रिवाइंड भी कर सकते हैं ताकि आपको जो अननोइंग एड्स है वो ना देखने पड़े। ये तो था बेसिक रिकॉर्डिंग फंक्शन, मगर डिश टीवी का सेटअप बॉक्स और भी एडवांस फीचर्स के साथ आता है। जैसे कि सबसे पहला तो फीचर है स्टैंड बाय रिकॉर्डिंग, यानी कि कोई भी प्रोग्राम को डिश टीवी में रिकॉर्ड करने वक्त ऐसा जरूरी नहीं है कि आप टीवी को ऑन रखें, आप टीवी को ऑफ भी कर सकते हैं, सिर्फ आप सेटअप बॉक्स को ही ऑन करके वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और मजेदार फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा जो है इवेंट बेस्ड रिकॉर्डिंग। सोच लीजिए कि आपकी फेवरेट टीम की मैच लेट नाइट शुरू होने वाली है, आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप कहीं रोज कोई शो देखते हैं 8 बजे और कोई पर्टिकुलर दिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो डिश टीवी के रिकॉर्डर फीचर को आप प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी शो को रिकॉर्ड करने के लिए ऑटोमेटिकली, यानी कि जब भी वो शो या फिर प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा डिश टीवी ऑटोमेटिकली वो शो रिकॉर्ड कर लेगी और उसे आप फुर्सत में बाद में देख सकते हैं। अब जो डिश टीवी रिकॉर्डर का तीसरा फीचर है वो काफी अमेजिंग है और काफी इंटरेस्टिंग है। वहां पे आपने डिश टीवी में अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट करके रखी और उसके बाद आप जब भी आपके रिमोट के अंदर पॉज का बटन दबाएंगे, मान लीजिए कि आप कोई मूवी देख रहे हैं और आपके घर की घंटी बजी और आपको कोई काम याद आ गया तो आप पॉज का बटन दबा के कहीं पे भी काम खत्म करके वापस आएंगे और फिर आप प्ले बटन दबाएंगे। यानी कि जब भी आप पॉज बटन दबाते हैं आपका टीवी का सीन वहीं पे पॉज हो जाएगा और रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी जहां से आपने पॉज किया था और फिर आप वापस आके प्ले का बटन दबाएंगे, आप वहीं से वो मूवी प्ले कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं और एक भी सीन मिस किए आप वो प्रोग्राम या फिर मूवी एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक डिश टीवी का रिकॉर्डिंग फीचर आपकी हर रिकॉर्डिंग को जरूरियात को बाखूबी से पूरी करता है और इसमें रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डेड प्रोग्राम को देखना काफी आसान है और फन भी है, खास करके वो पॉज वाला फीचर। तो मेरी तरफ से तो इस फीचर को 5 स्टार मिलने ही चाहिए। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा जिनके पास डिश टीवी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मैं पुरुषोत्तम आपको मिलता हूँ और भी नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।